हूं कि क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, टक्कर में तो कोई है ही नहीं है, चाहे खुद जो है मोदी जी आ जाए, मैं चैलेंज देता हूं। मैं पूछना चाहता हूं शासन प्रशासन से कि क्या उनके घर भी कोई मौत होगी तो उनके घर के ही लोग जो है कंधा देने जाएंगी जो है शव को। मैं ये शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि उनके घर के ही लोग जाएंगे, और जिनके घर में दो व्यक्ति होंगे सिर्फ, तो ये बताइए गांव के लोग कंधा नहीं देने जाएंगे, मित्र दोस्त रिश्तेदार कंधा नहीं देने जाएंगे, तो घर के लोग क्या जो है उस गंगा स्थल या जो है जहां शव स्थल फूकने की स्थली होती है वहां तक लाश जा पाएगी उनकी? किसी ने शव का विसर्जन अपने घर के अंदर किया है या आज जो है? नहीं, ये सुरक्षा की दृष्टि से नहीं था, यह जो है 144 धारा लगती है भाई, चुनाव चल रहा है 144 धारा लगती है, तो 144 धारा मरने वालों को क्यों नहीं रोकती है? मरने वालों पर जो मरता है, जो हर इच्छा से हो रहा है, जो कार्यक्रम हवा बतास जो भी चल रहा है कार्यक्रम प्रभु का ईश्वर का, वह हर इच्छा से जो हो रहा है तो हर इच्छा से और समाज के स्तर से काम भी होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा जाता था ये बताइए, ठीक है मुख्तार अंसारी कोई माफिया नहीं थे, वो जो है लोगों के गरीबों के जनता की जो है मसीहा थे, एक भी बताइए कि कहीं वो गरीबों को सताए हो, तो कोई बता दे, चैलेंज है कि किसी गरीब को वह सताए हो, कोई दिखा दे एक भी केस कैसे था उनके ऊपर? अब मसीहा जिसका नाम मसीहा पड़ा, ईसा मसीह पर बहुत से केस लगे, ईसा मसीह को तो सूली पर चढ़ा करके जो है किले ठूक दी गई, मसीहाओं को तो बहुत सजाएं मिली हैं, और मसीहा हमेशा जो भी मसीहा रहा है, चाहे वो जनता का मसीहा हो, चाहे ईश्वर बन के ही मसीहा बन के आया हो, गौतम बुद्ध रहे हो, ये तो इतिहास रहा है कि जितने भी मसीहा रहे उनको बहुत ही प्रताड़ना, बहुत ही संघर्ष जीवन में करना पड़ा। मुख्तार अंसारी ने भी संघर्ष किया और इतिहास के पन्ने में अपने नाम को रोशन किया, जो बहुत ही अदब और इज्जत के साथ उनका नाम लिया जाएगा। आप क्यों आ रहे हैं? आप हम भी जो है यहाँ ही आए थे, हम भी बाहर थे और कुछ दिनों से बाहर थे, तो हमने भी आ गया और आया, और जो है इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भैया जी का प्रोग्राम भी लगा था। सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, अखिलेश यादव जी आ रहे हैं जी, और चर्चा है कि मुख्तार अंसारी माफिया थे, गुंडा थे, और अखिलेश यादव जी उनके घर पर जा रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या समाज में जो है कि समाज में क्या, वो तो एक मसीहा के घर जा रहे हैं, कुछ लोग कुछ चंद लोग उनको माफिया कहते थे, जिनके वो सबके विरोधी हैं, हर गांव में हर जगह जो है सबके एक दो विरोधी होते हैं, तो कुछ विरोधी ही उनको माफिया कहते हैं, वह माफिया थे नहीं। आप ठीक से पता लगा लीजिए भाइयों, आप मीडिया वालों से कर रहा हूँ कि आप ठीक से पता लगा लीजिए, उस दिन भी जनाजे में देख रहे किसी माफिया में जो है ये 2.5-3 लाख की भीड़ होती है, जबकि मीडिया वालों ने कहीं कहीं किसी पेपरों ने दिखाया है 30-30 हज़ार का, लेकिन ये बताइए जितनी भीड़ थी उतनी भीड़ किसी माफिया में हुई है? हमको तो लगता है कि उतनी भीड़ किसी प्रधानमंत्री के भी शव को ले जाने में नहीं हुई है उतनी भीड़। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लोग कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग बार बार कह रहे हैं कि उनके मौत के बाद एक युग का अंत हुआ है, माफियाओं का युग का अंत हो गया है। भाई देखिए, अब तो आप लोग सीमा को लांग रहे हैं, प्रश्न ऐसा बन गया है आप लोगों को कि सीमा कह रहे हैं कि माफियाओं का जो है अंत हो गया। ब्रजेश सिंह का क्या हुआ, विनीत सिंह का क्या हुआ, ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या हुआ, ये क्या है, धनंजय सिंह का क्या हुआ, भाजपा के नेता है, ये नेता है, ये दूध के धुले हैं, इनके पर तो कोई मुकदमा होगा नहीं, किसी पर 85 है, किसी पर 60 है, किसी पर 45 है, किसी पर 40 है, और ये दूध के धुले हो गए। जो
आदमी भाजपा की शरण में चला जाए, वह जो है भाजपा वाशिंग पाउडर से धुल जाता है और दूध का धुआं धुला हो जाता है। और जो शरीफ आदमी भी भाजपा की शरण छोड़ दिया, वह आदमी जो है अन्यायी हो गया, अपराधी हो गया, वह आदमी घोटालेबाज हो गया। और जब ही तुरंत उसने शरण ले ली भाजपा की, तो दूध का धुला हो गया, उसको खुला मैदान मिल गया, ऐश करो, आराम करो, मौज करो, मस्ती करो। आप आरोप लगा रहे हैं भाजपा? मैंने आरोप नहीं लगा रहा हूँ, यह सच्चाई है। किसी ने कहा है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के आंसू से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो यह सच्चाई जो है, और आप लोग मीडिया वाले हैं बंधु, आप लोग सच्चाई को सामने लाइए। आप जो है हिंदुस्तान के जो है जड़ हैं, आप हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं मीडिया वाले बंधुओं से कहूँगा कि आप जो है खुली सच्ची खबरें छापिए और स्वच्छ बनिए, ताकि आप में भी पारदर्शिता आए और देश भी आगे बढ़े और देश में सच्चाई ईमानदारी का डंका बजे। यह जो है कभी चलेगी नहीं। जो है ढूंढे उम्मीदवार नहीं मिलेंगे उनको, तो ढूंढे उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, उम्मीदवार ढूंढा जा रहा है कि कौन उम्मीदवार बनेगा। कभी किसी की हवा उड़ा रहे हैं, कभी किसी की हवा उड़ा रहे हैं। अरे भाई कोई नहीं है, पहले भी कोई टक्कर में नहीं था, अब भी कोई टक्कर में नहीं है। कह रहे ना, मैं एक बात कर रहा हूँ कि क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। टक्कर में तो कोई है ही नहीं है। चाहे खुद जो है मोदी जी आ जाए, मैं चैलेंज देता हूँ, मोदी आ जाए, योगी आ जाए, चाहे भाजपा जिसको भी उचित अपना उम्मीदवार समझे भेज दे, गाजीपुर से हरा करके भेज दिया जाएगा, भेज किया जाएगा, प्रचार भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ की जनता उनको हरा के भेज देगी।